हेलो एवरीवन, नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर 8, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दिस इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। इन आवर प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट इम्यून सिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स एंड एड्स एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, सो नाउ आवर दिस टाइम टॉपिक इज कैंसर। लेट अस हैव अ लुक इन डिटेल about cancer. Cancer is caused due to uncontrolled cell divisions. Cancer की जो शुरुआत है, cancer का जो मुख्य कारण है वो cell divisions होते हैं, जो कि uncontrolled तरीके से होते हैं। यानी जब cell divisions हमारे body के अंदर, जब cells की growth, cell का division uncontrolled तरीके से होने लगता है, तब हम उसको cancer की शुरुआत या cancer का जो disorder है वो कहते हैं। एन इरेगुलर मास ऑफ सेल्स इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड ट्यूमर। और इस अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स की वजह से सेल्स का एक बहुत बड़ा सा इरेगुलर बेडोल सा मास प्रोड्यूस होने लगता है शरीर में, जिसको कि ट्यूमर कहा जाता है। ओके, अब ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो ट्यूमर्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिनाइन ट्यूमर और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। Malignant tumors are irregular masses of proliferating cells known as neoplastic or tumor cells. जो malignant tumors हैं ये actually irregular mass होते हैं, बहुत बड़े बड़े किसी भी proper shape के irregular masses होते हैं, जो कि proliferating cells के बने होते हैं, और इन cells को हम कहते हैं ट्यूमर सेल्स या नियोप्लास्टिक सेल्स। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं, जिनको नियोप्लास्टिक सेल्स या ट्यूमर सेल्स कहा जाता है, इनके प्रोलिफरेशन से ये इरेगुलर मास के रूप में डेवलप होता है। नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेटिंग सेल्स स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो सेल्स प्रोलिफरेट होकर आई हैं, ये जो सेल्स इरेगुलरली अनकंट्रोल्ड तरीके से जो डिविजन्स के जरिए बननी है, ये सेल्स फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैलना शुरू हो जाती है और प्रोड्यूस न्यू ट्यूमर वेयर एवर दे गेट लॉग्ड। तो जहां कहीं भी इनका एक्यूमुलेशन होता है, जहां कहीं भी इनकी लॉजिंग होती है, तो इनके लॉजिंग से, इनके एक्यूमुलेशन से बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी इन ट्यूमर्स की शुरुआत हो जाती है, ट्यूमर्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। अब इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस नाम देते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर्स की फॉर्मेशन, ट्यूमर्स की शुरुआत, ट्यूमर्स की स्प्रेडिंग होने लगती है बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी, जहां कहीं भी इनका डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है इन प्रोलिफरेटिंग सेल्स का। ओके, so this process is called as metastasis. Now next heading is causes of cancer. Cancer किस कारण से होता है? देखिए, the agents which cause cancer are known as carcinogens. Cancer causing agents, उनको हम carcinogens कहते हैं scientifically. तो carcinogens are actually the cancer causing agents, which may be physical. अब ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये फिजिकल भी हो सकते हैं, यानी एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेडिएशंस, राइट? तो एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इस प्रकार के कुछ ऐसे फिजिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स या कार्सिनोजेंस भी होते हैं। ये कार्सिनोजेंस केमिकली भी हो सकते हैं, यानी जिसमें केमिकल्स शामिल हैं, फाउंड इन टोबैको, फूड कलर, ठीक, जो खाने के रंग हैं, या तम्बाकू वगैरह, इसके अंदर जो, और ये बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वायरसेस। तो कार्सिनोजेंस फिजिकल भी हैं, ये कार्सिनोजेंस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट इज ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी हैव प्रोटो ऑन्कोजीन्स विच डू नॉट कॉज कैंसर इन नॉर्मल कंडीशंस,
बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस दे गेट एक्टिवेटेड एंड फॉर्म कैंसर कॉजिंग सेल्स। हमारे शरीर की जो सेल्स हैं उनमें प्रोटो ऑन्कोजींस भी पाई जाती हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कैंसर की शुरुआत नहीं होती नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से दे गेट एक्टिवेटेड एंड फॉर्म कैंसर कॉजिंग सेल्स। तो हमारे शरीर की जो सभी सेल्स हैं जिनके पास जिनके अंदर प्रोटो ऑन्कोजींस पाई जाती हैं, ये तो हमारे शरीर की जो प्रोटो ऑन्कोजींस हैं जो सभी बॉडी की सेल्स में पाई जाती हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस में कैंसर कॉज नहीं करती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये एक्टिवेट हो जाती हैं और कैंसर की शुरुआत करने लगती हैं, कैंसर कॉजिंग सेल्स बनाने लगती हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की, कि कैंसर किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है और कैसे उसकी पहचान की जाती है, इसके बारे में आइडिया लेते हैं। फर्स्ट इज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यूज एंड ब्लड हेल्प इन डिटेक्शन, यानी बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज जो कि टिश्यूज के हैं, इन दोनों के कारण हमें कैंसर के डिटेक्शन में हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि बायोप्सी और टिश्यूज और ब्लड की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज से हमें कैंसर के डिटेक्शन में हेल्प मिलती है। सेकंड पॉइंट इज बोन मैरो टेस्ट्स डिटरमाइन द इंक्रीज इन द सेल काउंट्स एज इन ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया में जो सेल की संख्या है उनके बढ़ने को डिटेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है बोन मैरो का टेस्ट। तो बोन मैरो टेस्ट के जरिए भी हम अपने शरीर में बढ़ने वाली सेल्स की संख्या के बारे में डिटरमिनेशन करा लेते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया के केस में होता है। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड MRI हेल्प इन डिटेक्टिंग कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और शरीर के जो भीतरी अंग हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उनके अंदर का अगर कैंसर ग्रोथ है, उनके अंदर अगर ट्यूमर फॉर्मेशन है, तो उसके लिए रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इनकी हेल्प से उन कैंसर्स जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर है उसका डिटेक्शन किया जाता है। कैंसर कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाई यूजिंग, अब कैंसर का हम डिटेक्शन और भी दूसरे तरीके से एंटीबॉडीज को इस्तेमाल करके कर सकते हैं अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को इस्तेमाल करके, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को यूज करके हम कैंसर की डिटेक्शन, कैंसर का पता लगा सकते हैं, राइट। चलिए गाइस अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरीके से है। देखिए, सर्जरी इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द ट्यूमर सेल्स। पहले तो जो अननेसेसरी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई है सेल्स की, इरेगुलर मास ऑफ सेल्स जो बनना है उसकी, यानी उन ट्यूमर सेल्स की रिमूविंग के लिए सर्जरी की जाती है। एट मेटास्टेसिस स्टेज सर्जरी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, और मेटास्टेसिस स्टेज के दौरान सर्जरी नहीं की जा सकती, यानी अब समझे मेटास्टेसिस यानी जब जो प्रोलिफरेटिंग बॉडी की सेल्स हैं वो कैंसरस सेल्स बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं और वहाँ नए नए ट्यूमर्स बना रहे होते हैं, नए नए ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी, जहाँ पर कहीं भी उनकी कैंसरस सेल्स की लॉगिंग होती है या उनका एक्यूमुलेशन होता है, तो इसी प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो इस मेटास्टेसिस प्रोसेस के दौरान सर्जरी नहीं की जा सकती। ओके, सेकंड पॉइंट इज रेडियोथेरेपी इन्वॉल्व्स इररेडिएशन ऑफ ट्यूमर सेल्स इन लीथल डोज विच किल्स ट्यूमर सेल्स। रेडियोथेरेपी में शामिल होते हैं ट्यूमर सेल्स की इररेडिएशन
इन लीथल डोज विच किल्स ट्यूमर सेल्स, जिसमें लीथल मीन्स प्राण घातक, जानलेवा, तो जानलेवा डोज के रूप में, जानलेवा अमाउंट में, जानलेवा डोज के रूप में इन ट्यूमर सेल्स के रेडिएशन को किया जाता है रेडियोथेरेपी में, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट यानी लीथल डोज में हम इरेडिएशन भी कराते हैं उनका थ्रू रेडियोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स टू किल द ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स को खत्म करने के लिए, ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, कुछ केमिकल्स की भी जरूरत पड़ती है, केमिकल्स की भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। दीज ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, और इन केमिकल ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, एनीमिया एटसेट्रा, यानी खून की कमी, बालों का गिरना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इन इम्यूनोथेरेपी अल्फा इंटरफेरोन। इम्यूनोथेरेपी अल्फा इंटरफेरोन में क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स आर गिवन टू द पेशेंट। उस पेशेंट को जिसको कैंसर है उसको हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं। दीज एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। और इन सब्सटेंसेस से, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंसेस से क्या होता है, उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से यह ट्यूमर्स की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके इन ट्यूमर सेल्स की जो ग्रोथ है, ट्यूमर सेल्स का जो एकरेंस है, इसको ख़त्म किया जाता है, इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और इस प्रकार के ट्रीटमेंट को, इस प्रकार की थेरेपी को इम्यूनोथेरेपी अल्फा इंटरफेरोन कहा जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज की। ड्रग्स लाइक ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका, एल्काइलोइड्स, एलएसडी मींस लाइसर्जिक एसिड, डाइएथिलमाइड एंड एम्फेटामिन्स व्हिच आर यूज्ड एज मेडिसिंस व्हेन यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पजेस इज नोन एज ड्रग अब्यूज। यानी जब कुछ ऐसी ड्रग्स जो ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड्स मीन्स जो ओपियम पॉपी से यानी अफीम के पौधे से निकाली जाती हैं, ओपियम पॉपी से निकाली जाने वाली जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ ओपियोइड्स, कैनेबिनोइड्स, कैनेबिस की जो प्लांट है उससे प्राप्त की जाने वाली जो भांग है, कैनेबिनोइड्स कहलाते हैं, भांग जैसी चीज़ें, और कोका, एल्काइलोइड्स और एलएसडी यानी लाइसर्जिक एसिड, डाइएथिलमाइड और एम्फेटामिन्स, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि मेडिसिंस के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं आमतौर पर। लेकिन जब इनका इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पज के लिए कर दिया जाता है तब हम इसको, इस प्रैक्टिस को, इस एक्टिविटी को ड्रग एब्यूज कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्टेंड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इनमें से ज़्यादातर कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं, एंड सम आर ऑब्टेंड फ्रॉम फंगी, और कुछ ऐसी हैं जो फंगी से प्राप्त की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी जो ओपियोइड्स हैं, जो ओपियम पॉपी से, अफीम के पौधे से जो प्राप्त की जाने वाली जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, जो नशाखोरी की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स, जो कि स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, इनसे ये अटैच होती हैं, इनसे ये बाइंड होती हैं।
सेकंड इज मॉर्फिन ऑब्टेंड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट मीन्स पेपेबर सोमनीफेरम और इज यूजफुल इन रिलीविंग पेन स्पेशली इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी. इट इज ऑल्सो यूज एज सेडेटिव. और मॉर्फिन जो कि पोपी प्लांट यानी पेपेवर सोमनीफेरम जैसे प्लांट से उसके लेटेक्स से ये प्राप्त की जाती है, ये आमतौर पर उन मरीजों को दी जाती है जिनकी सर्जरी हुई होती है और इसके देने से उनके शरीर का जो दर्द है वो कम होता है, उसमें ये लाभदायक है. तो सर्जरी जिन पेशेंट्स की हुई है या जिन पेशेंट की सर्जरी होती है उनको दर्द कम करने के लिए ये मॉर्फिन नामक जो दवा है, जो एक ड्रग है, ये दी जाती है ताकि उनका शरीर का पेन कम हो सके, दर्द को कम करने के लिए. और इट इज ऑल्सो यूज एज सेडेटिव. और इसका हम मॉर्फिन का इस्तेमाल एक सेडेटिव के रूप में भी करते हैं. नेक्स्ट इज हेरोइन. हेरोइन मीन्स स्मैक इज ए वाइट बिटर ओडरलेस एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड. जो हेरोइन है जिसको हम स्मैक भी कहते हैं, ये एक सफेद रंग का कड़वा सा और बदबू रहित दुर्गंध रहित एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और केमिकली कॉल्ड डाई एसिटाइल मॉर्फिन. और इसी हेरोइन को या स्मैक को हम केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट इज इट इज जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शंस. अब ये जो स्मैक है या हीरोइन है इसे आमतौर पर स्नॉर्टिंग यानी नाक के जरिए सूंघकर शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है या कई बार इंजेक्शंस के जरिए भी इसको जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं. एंड इट एक्ट्स एज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस. और इसके इस्तेमाल से इसकी स्नॉर्टिंग से या इंजेक्शन से उस पेशेंट के जो बॉडी के फंक्शंस हैं, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो स्लो डाउन हो जाती है और वो एक तरीके का डिप्रेसर के रूप में काम करता है. ये यानी उसकी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो बॉडी फंक्शंस हैं, ये सारी जो गतिविधियां हैं ये बहुत धीमी पड़ जाती हैं और कुछ समय तक वो पर्सन अचेत सा और अनकॉन्शियस सा महसूस करता है. ओके, बिकॉज ऑल द बॉडी फंक्शंस ऑफ हिज और हर बॉडी गेट सप्रेस्ड, गेट स्लो डाउन, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज, तो ये तो बात हुई ओपिओइड्स के बारे में, चलिए अब आते हैं अपने अगले सेकंड टॉपिक कैनेबिनोइड्स के बारे में. कैनेबिनोइड्स यानी दीज रिएक्ट विद कैनेबिनोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन. ये हमारे ब्रेन में मौजूद जो कैनेबिनोइड रिसेप्टर्स हैं उनके साथ इसका रिएक्शन होता है. कैनेबिस सेटाइवा प्रोड्यूस नेचुरल कैनेबिनोइड्स. और कैनेबिस सेटाइवा जो एक प्लांट है ये नेचुरल कैनेबिनोइड्स को प्रोड्यूस करता है एंड प्रेजेंट इन इट्स इनफ्लोरेसेंस. और जो फ्लावर्स का जो एक ग्रुप है उसके इनफ्लोरेसेंस में मौजूद जो कैनेबिनोइड्स हैं, नेचुरल कैनेबिनोइड्स, उनको ये प्रोड्यूस करता है और इस प्लांट का नाम है कैनेबिस सेटाइवा. नेक्स्ट इज द फ्लावर टॉप्स द लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ दिस प्लांट आर मिक्स्ड इन वेरियस प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस मरिजुआना हशीश चरस एंड गांजा. तो इस प्रकार के जो प्लांट है यानी कैनेबिस सेटाइवा जो प्लांट है इसके फ्लावर टॉप्स में, इसकी लीव्स में, इसके रेजिन्स में, इस प्लांट की ये सब मिक्स किए जाते हैं. दे आर मिक्स्ड इन वेरियस प्रोपोर्शंस. और इनको ही हम अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग रेशियो में मिक्स कर देते हैं जिससे कि अलग अलग प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं, जो ड्रग्स हैं, वो प्रोड्यूस की जाती हैं, यानी मैरिजुआना, हैशीश और चरस या गांजा जैसी. नेक्स्ट इज दीज आर ओरली इंजेस्टेड. अब ये चरस, गांजा
ये सब चीजें मैरिजुआना हशीश वगैरह इनको ओरली इंजेस्ट किया जाता है, यानी इनको या तो मुंह के जरिए जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरीके से ओरली इंजेस्ट किया जाता है, या इनहेल्ड भी किया जा सकता है, इनको नाक से सूंघकर भी इसको शरीर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड इफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, और ये हमारे शरीर का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। ओके तो ये फर्क है। ओपियोइड्स हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं जनरली, और कैनबिनॉइड्स जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जनरली उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कोका या एल्कलॉइड्स की। देखिए कोका या एल्कलॉइड्स या जिसको हम कोकेन भी कहते हैं, कोका एल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट मींस एरिथ्रोजाइलम कोका विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। मुख्य रूप से बुनियादी रूप से साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जो एक प्लांट है एरिथ्रोजाइलम कोका, इस कोका प्लांट की कोका प्लांट से ये कोकेन या कोका एल्कोलाइड प्राप्त किया जाता है। कोकेन इज ऑल्सो कॉल्ड कोक और क्रैक। इस कोका एल्कोलाइड को कोकेन के साथ साथ कोक या क्रैक भी कहा जाता है। इट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे हमारा शरीर का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है। एंड प्रोड्यूसेस यूफोरिया, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करके यूफोरिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज व्हेन टेकन इन एक्सेस, और जब इसको बहुत ज़्यादा अधिकतम में ग्रहण कर लिया जाता है, देन व्हेन टेकन इन एक्सेस द इंक्रीज्ड एनर्जी कॉजेज हेल्यूसिनेशन। तो इसके जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हेल्यूसिनेशन भी कॉज होने लगता है। तो जब इसकी अधिक मात्रा ग्रहण कर ली जाती है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हेल्यूसिनेशन को कॉज करती है। देन दे इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामीन, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेरेंस करते हैं जिसको कि डोपामीन कहा जाता है। उस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम डोपामीन है जिसके ट्रांसपोर्ट में ये इंटरफेरेंस करते हैं। देन एट्रोपा बेलोडोना एंड डेटूरा आर अदर प्लांट्स विच प्रोड्यूस हेल्यूसिनोजेनिक सब्सटेंसेस, और ये हेल्यूसिनेशन के लिए, तो हेल्यूसिनोजेनिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने वाले दो और प्लांट्स हैं जैसे कि एट्रोपा बेलोडोना और डेटूरा। तो धतूरा से भी और जो बेलोडोना प्लांट है एट्रोपा बेलोडोना, इनसे भी हेल्यूसिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए गाइस अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक टोबैको पे, और इसमें देखती है द ड्राइड एंड क्योर्ड लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट मींस निकोशियाना टोबैकम। ये तंबाकू का साइंटिफिक नेम है निकोशियाना टोबैकम। तो तंबाकू के प्लांट की जो क्योर्ड लीव्स हैं और जो सूखी पत्तियां हैं ड्राइड लीव्स हैं उनसे दे आर च्यूड, ये चबाई जाती हैं, देन स्मोक्ड और स्नफ्ड। और इन तंबाकू के पौधे की सूखी और क्योर्ड पत्तियों को चबाने से या उनके स्मोकिंग से या उसकी स्निफिंग से यानी उसको सूंघने से ये टोबैको का नशा किया जाता है। देन कंटेन्स केमिकल सब्सटेंस लाइक निकोटीन विच इज एन एल्कलॉइड एंड एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट, और इस टोबैको के अंदर एक निकोटीन नामक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, निकोटीन नामक केमिकल सब्सटेंस जो कि एक स्टिमुलेंट के रूप में काम करता है, और ये एक एल्कलॉइड है ये भी, और ये एक स्टिमुलेंट के रूप में एक्शन करता है, काम करता है।
निकोटीन स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड्स टू रिलीज एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। अब ये जो निकोटीन है जो तंबाकू के अंदर पाया जाता है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल ग्लैंड्स के स्टिमुलेशन से इसके द्वारा एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन नामक हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं और इन हॉर्मोन्स के सिक्रीशन से ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्मोकिंग कॉजेज लंग यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट कैंसर। और स्मोकिंग से गले का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और लंग कैंसर होते हैं। इट्स कंटिन्यूअस यूज कॉजेज ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स। और इस तंबाकू के लगातार इस्तेमाल से ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फाइसेमा नामक बीमारी होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होती हैं और गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टोबैको च्यूइंग कॉजेज कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। और तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर यानी ओरल कैविटी का कैंसर भी हो जाता है। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज इन डिटेल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द अल्कोहल एंड एडिक्शन एटसेट्रा ऑफ दिस चैप्टर। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स। Stay blessed, stay safe. God bless you. Thank you.